हेलो संवाददाता राधिका जी, कैसी हैं आप? अभी ऐसा लग रहा है मैं अपने रिपोर्टर से बिल्कुल लाइव बात कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली लगेगी और ये बुझेगा नहीं अब। सो ऑलराइट एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी ब्लॉग्स। और पीसीबी ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, हाल ही में जो म्यूजिक वीडियो तुम्हारे भाई का रिलीज हुआ है अपने चैनल पीसीबी ब्लॉग्स पे, क्या तुमने वो देखा या नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो ये आ रहा आई बटन में लिंक, वरना चैनल पे वो म्यूजिक वीडियो मौजूद है, जल्दी से जाके देख के आओ। नीचे कमेंट करो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। डोंट एक्सपेक्ट यू बहुत ज्यादा कोई मैं प्रोफेशनल सिंगर हूं, जो कि मैं नहीं हूं, तो लाइंस पे ध्यान देना भाई, लाइंस बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, तो बताना देख के कैसा लगा। अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि इतनी देर से ये जो स्प्रे बॉटल छोटी सी है, जो इतनी भी छोटी नहीं है, ये हाथ में लेके मैं कर क्या रहा हूं? तो मैंने डिसाइड किया था कल कि इसके अंदर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, जो आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में जो फायर ब्रिगेड वाले जो ट्रक्स हैं उनमें मिला के और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मैंने कहा क्यों ना अपने घर का भी एक प्रॉपर वाला सैनिटाइजेशन कर दिया जाए। तो वो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो तो पापा ले ही आए थे, दो तीन दिन पहले वो पड़ा है घर में। लेकिन फिर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा इससे ढंग से नहीं हो पाएगा, बाहर जो हमारे मेन गेट्स वगैरह उन सब पे अच्छे से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मशीन से ही कर लिया जाए। तो वो मशीन आज अभी थोड़ी देर बाद लेके आएंगे आज, तो जब वो मशीन आएगी वो भी दिखाऊंगा, फिर उससे सैनिटाइजेशन कैसे करते हैं ना वो भी दिखाऊंगा। तो आज भाई साहब कुल मिला के सैनिटाइजेशन का राजा बनने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं अपने घर का तो सैनिटाइजेशन अच्छे से कर ही लूंगा, और आप लोग भी अपने घर में साफ सफाई बनाए रखें और घर पे रहें। तो अभी आपने जो मेरे हाथ में देखा था ना स्प्रे, जो ज्यादातर बार बार लोग यूज करते हैं बालों की कटिंग में, और पहले उसी से सैनिटाइजेशन करने का प्लान था, लेकिन फिर पापा ने कहा कि इससे सैनिटाइजेशन अच्छा नहीं होगा क्योंकि पूरे घर पे करना है। तो अभी पापा वो जो मशीन है वो लेके आए, बाहर कार में पड़ी है, तो दिखा देता हूँ मशीन और पापा चले। चलो चलो भाई देखते हैं मशीन। मशीन अभी गाड़ी में पड़ी है, और देखो भाई ये पड़ी मशीन, ये इलेक्ट्रिक है ना, और ये देखो ये छिड़कने हुआ पूरा है, बैटरी ऑपरेटेड है। एक बार बाहर निकाल देता हूँ ढंग से, फिर देखना। गाड़ी से बाहर आ चुकी है, देख सकते हो सारे तामझाम है। ये ज्यादातर जो मेनली यूज आती है वो नॉर्मल वाली मशीन होती है, जिसमें साइड में वो हैंडल होता है, पुश करते हैं और मतलब यहाँ से फुहारा निकलता है, उसका सैनिटाइजेशन हो जाती है। तो लेकिन ये देख सकते हो बैटरी ऑपरेटेड है, ये स्विच ऑन करके और पंप इसमें स्टार्ट हो जाता है, मोटर है, और फिर ये देख सकते हो इस लीवर को दबाने से यहाँ से फुहारा निकलता है, और जहाँ पे छिड़कोगे ना वहाँ पे भाई साहब कोरोना की ऐसी तैसी हो जाएगी। और ये पीछे बैग पे लटकाने के लिए है। पापा कह रहे हैं कि बता दें सबको, ये देखो ये इस तरह से दबा, बस नीचे दबा। हाँ अब वो दे, वो हो गई, अब स्टार्ट हो गई। दोस्तों इसको भी घुमाना पड़ता है, नए लोग हैं हम, हमें क्या पता। ये देखो दोस्तों क्या फुहारा निकला है, देख रहे हो? हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा पास से दिखा दो पापा, ये देखो पास में लिया इसके, आए देख रहे आए। देख ली कि बैटरी ऑपरेटेड ये जो मशीन थी किस तरीके से, अब उसको मैंने जब स्प्रे करके देखा ना तब मुझे पता पड़ा कि अगर मैं हाथ से करने बैठता ना तो भाई साहब पता नहीं मुझे कितने साल बीत जाते स्प्रे करने में पूरे में, लेकिन इससे फटाफट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं उसको चार्जिंग में लगा दिया है, और जब वो चार्ज हो जाएगी तो कल सुबह अपन पूरे घर को डिसइंफेक्ट कर देंगे, सैनिटाइज कर देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है और अब देख सकते हो यार इसको लिए हुए तैयार खड़े हैं। रात को इसको लगा लिया था चार्ज के अंदर, इसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। घर के अंदर कुछ कुछ जगहों पे इसको हमने स्प्रे कर दिया, लेकिन मेनली इसको घर के बाहर जो गेट्स वगैरह होते हैं ना वहां पे स्प्रे करने वाले हैं, तो चलो वहां पे स्प्रे कर देते हैं और सैनिटाइजेशन कर देते हैं घर के बाहर पूरा, और मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि इसमें से भी थोड़ी बहुत जैसे स्मेल आती है, तो एकदम तो मुंह पे ना आए आपके। पे स्विच है जो कल दिखाई था, इसको एक बार कट को, ये स्टार्ट हो गया है दबा। आंगन में सब मत कर लो।
तगड़ी सैनिटाइजेशन हो गई। छोटी सी जो साइड में गली थी उसको तो कर दिया सैनिटाइज, थोड़ा बहुत फ्लोर भी कर देते हैं। मेन पार्ट क्या है, गेट जहाँ पे सबके हाथ लगते हैं, तो इसको भी सैनिटाइज करना है। इसको खैर इसी के लिए मेन है, इसी के लिए हम लाए थे इसको, तो पूरे वो कर देते एक बार। पौधों पे मत डालना इसको। चारों तरफ सैनिटाइजेशन तगड़ा चल रहा भाई, अब कहाँ पे डालूं? तो गाइस सैनिटाइजेशन कर चुका हूँ और मुंह पे मास्क लगा के, अगर आप लोग भी छोटी स्प्रे बॉटल या किसी से भी कर रहे हो तो मुंह पे मास्क लगा के करना, क्योंकि इसको जो फ्यूम्स होती हैं वो चेहरे पे या बालों पे और ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब स्किन के भी ज्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं फटाफट से नहाने जा रहा हूँ और बाकी बातें अपन नहाने के बाद में कंटिन्यू। ऑल राइट, नहा धो लिए हैं, घर को सैनिटाइज कर दिया है और पापा और मैंने अभी जस्ट एक वीडियो देखा था जिसके अंदर की जो हैंड सैनिटाइजर हम यूज करते हैं उसको किसी बंदे ने किसी एक छोटी सी प्लेट पे कहीं पे डाल दिया और जो माचिस की तीली होती है उससे जलाया और उसमें कोई भी मतलब फ्लेम वगैरह नहीं दिख रही थी, और जब टिश्यू पेपर पास में रखा तो उसमें ज़रूर आग लग गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को हम ट्राई करें, तो अभी हम उस चीज़ को ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कि वो जो चीज़ उसमें दिखाई थी वो रियल में होती है या नहीं। तो चलो भाई ये बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए अपन को। एक तो सैनिटाइज़र जो कि थोड़ा सा बर्बाद करेंगे आप अपन, एक माचिस चाहिए, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म टाइप बना दिया यहाँ डालूंगा और उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे, और एक टिश्यू पेपर कोई भी जो घर पे पड़ा हो देख लेंगे। तो चलो ट्राई करते हैं होता है या नहीं होता। सैनिटाइजर अब अपन इस पे डाल देते हैं, सैनिटाइजर इस पे डाल दिया है, अब अपन इस पे माचिस लगा के और देखते हैं कि कैसे होता है। तो भाई अब आग लगा के देख लेते हैं। थोड़ा मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है कि क्योंकि उसमें मेंशन था कि जो फ्लेम है वो दिखती नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा कम यकीन होता है कि नहीं दिखती है। तो ट्राई करते हैं एक बार जला के, मैंने कहा अंधेरा कर दिया, अगर दिखती होगी तो इसमें पता पड़ जाएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट थी। आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल है कि ये फ्लेम जल रही है, और दिखती बात है कि इस टिश्यू को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आग लगेगी लगेगी, देख सकते हो ये। इसमें अब लगा के भी क्या बताऊँ मैं, ऑब्वियसली लगेगी और ये बुझेगा नहीं अब। देख पा रहे हो अभी भी जल रहा है ये। लाइट को अगर आप इस तरह से रखो तो आपको फ्लेम देख रहे हो, नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर जैसे ही थोड़ा सा एंगल चेंज करोगे ना, ये देखो ये फ्लेम लग रही है। तो वो फेक वीडियो था, अगर आप लाइट की दिशा में, क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा धीमी होती है, रखोगे तो नहीं दिखेगा। तो ये इनविजिबल फ्लेम कुछ नहीं होती है, आप ज़रा सा एंगल चेंज करो दोस्त, ये देखो ये रही फ्लेम। देख लेना सारा खेल जो है ना कैमरा एंगल का, अगर तुम लाइट की डायरेक्शन में उसको देखोगे ना वैसे ही बहुत लाइट ब्लू कलर की फ्लेम होती है, लेकिन होती है इनविजिबल फ्लेम कुछ नहीं होती, बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल आपको विजिबल होती है। तो सब कैमरा एंगल का खेल है दोस्तों, हूतिया बनाने के नए नए तरीके हैं लोगों को, और आप लोग भी ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल क्लियरली दिखेगी, कोई इनविजिबल नहीं होती। देखा ना कैमरा साइड में जैसे ही करके आप लोगों को दिखाया मैंने, तो
दिख रही थी। साइंस के इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, बड़े बड़े खुलासे करने के बाद में, बड़े बड़े पर्दाफाश करने के बाद में लग जाती इंसान को भूख। तो अब मैं खाने जा रहा हूँ और खाने के बाद में मिलता हूँ। पहले दिखा देता हूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ भाई लोगों। अभी मैं खाने वाला हूँ छोले भटूरे, मेरे फेवरेट हैं और मम्मी ने बना दिए हैं। बस अब मैं इनको खा लेता हूँ, उसके बाद में आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। हेलो संवाददाता राधिका जी, कैसी हैं आप? अभी ऐसा लग रहा है मैं अपने रिपोर्टर से बिल्कुल लाइव बात कर रहा हूँ। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। देखिए सामने बैठे हैं, वैसे तो कैमरा ज्यादा दिख रहा है, मैं थोड़ा आधा ही दिख रहा हूँ। तो और बताओ क्या चल रहा है? फॉग तो चल रहा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। मेरे व्लॉग के अंदर मेरे पे ही सैवेज बन रहे हैं। अरे भाई मतलब घर पे लॉकडाउन तो चल रहा है, तुम्हारे क्या चल रहा है घर में, क्या दिनचर्या चल रही है ये पूछ रहा हूँ मैं तो। अरे मेरे तो वही डेली रूटीन, क्लासेस चल रही है ऑनलाइन तो वो लेती हूँ, टाइम होता नहीं है। अच्छा तो और जब मैं थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ तो उस टाइम मैं नेटफ्लिक्स खोल के देख लेती हूँ। नेटफ्लिक्स? मैं भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ। क्या देखते हो नेटफ्लिक्स में, मतलब क्या मूवी सीरीज क्या देखते हो? नेटफ्लिक्स पे मैंने हॉरर मूवीज देखी है। हॉरर मूवीज? फिर डर लगा? डर लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा। हॉरर मूवीज से तो डर लगना चाहिए ना, क्यों? लेकिन मुझे नहीं लगा क्योंकि मैंने हॉरर मूवीज को है ना फॉरवर्ड कर कर के देखा है। जब भी भूत आता है मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ तो डर लगने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने भूत तो देखा नहीं है, बस हॉरर मूवीज जरूर देख लिया। अरे आदत ही क्या, मतलब आपने क्या हॉरर मूवीज में भूत नहीं देखा तो फिर हॉरर मूवीज क्यों देखते हो? नहीं मेरे को डर लगता है ना तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। वो जो वो 10-10 सेकंड वाला आता होगा उस पर टैप कर करके आगे बढ़ा दिया। और ये भी हो जाता है कि मैं हॉरर मूवीज भी देख रही हूँ। क्यों करा मैंने ये वीडियो कॉल? सो आई होप आप लोग हॉरर मूवीज इस तरह से नहीं देखते होंगे, भूत को भी देखते होंगे अगर हॉरर मूवीज देखते होंगे। हॉरर मूवीज से याद आया कि कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे ही एक यंग सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि भाई मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूँ, वीडियोज बनाना चाहता हूँ। तो जब उसने दो ऑप्शन मेरे को दिए ना, पहला वाला तो चलो ठीक है यूट्यूब, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था ना वो एक हॉरर मूवी से कम नहीं है। दूसरा ऑप्शन मुझे कहा था कि मैं टिकटॉक अकाउंट बना लूँ क्या। भाई जेन्युइन राय दे रहा हूँ, टिकटॉक जो ऐप है ना वो मेरी तरफ से बिल्कुल, मैं उसको एक तरीके का छपरी ऐप बोलता हूँ क्योंकि उसके ऊपर क्रिंज भरा पड़ा है। आप जितना ज़्यादा मतलब क्रिंजी कंटेंट बना पाएंगे ना उतना ज़्यादा आप यहाँ पे फेमस हो जाएंगे। अगर आप कुछ अच्छा करने चाहोगे ना तो आप उसके ऊपर ना तो फॉलोअर्स गेन कर पाओगे ना लाइक्स मिल पाएंगे, लेकिन अगर आप क्रिंजी कंटेंट बनाने में एक नंबर हो ना तो उस पर भी आप एक नंबर बन जाओगे। ये बस मेरे को तो यही चीज़ समझ में आती है। और मुझे पर्सनली टिकटॉक इतना पसंद नहीं है और मैं इसकी राय भी नहीं दूंगा। खैर इसके ऊपर अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है, अच्छा कंटेंट बनाना है, व्लॉगर बनना है, फूड व्लॉगर बनना है, ट्रैवल व्लॉगर बनना है, जो भी बनना है ना, लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि आप शुरुआत में जब आओगे ना तो आपको मतलब काफी चीजें सुनने को मिल सकती है। आप हो सकता है मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट भी हो जाओ। तो ये बात अपने मन में लेके आना कि ये काम मुझे पसंद है और मैं करना चाहता हूँ तो ही यहाँ पे आना। तो जब भी आप नए होगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपको काफी सारी चीजें सुनने को मिल सकती है कि यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने अभी जस्ट हाल ही में वन लाइफ ट्रैक बनाया था, उसमें एक लाइन थी कि आजू बाजू की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस दिमाग में यही लाइन चलाए रखना और जिसमें तुम अच्छे हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है ना भाई कि मजा आ जाता है ये चीज करके, वो ही चीज कंटिन्यू करते रहना। राइट ऑडियंस के पास में जो लोग आप लोगों की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं वहां पे जब कंटेंट पहुंचेगा ना भाई तुम चल जाओगे, ठीक है। और जिनको समझ में नहीं आएगा वहां नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब सही लोगों के पास जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं या जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हो, जब उनके पास उस वीडियो की रीच बढ़ेगी और उनके पास वो कंटेंट पहुंचेगा ना तो आप अपने आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। बाकी जो चीज पूछी है ना वो अगले ब्लॉग में अपन अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से उस पर बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जैसे कि हमेशा कहता हूँ कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और घर पे ही रहना, बाहर कोरोना है, ठीक है ना।